बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी पर्सन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बर्थ सर्टिफिकेट से ही बच्चे के स्कूल में एडमिशन होती है और बर्थ सर्टिफिकेट से ही बहुत सारे आईडी होते हैं वो बनती है। अगर आपका बच्चा का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तब तो बहुत ही आसानी से डॉक्टर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना कर दे देते हैं। अगर आपका बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में नहीं हुआ कहीं और हुआ है तो उसको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताया हूँ। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आज को आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ किस तरीके से आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया हुआ जिस लिंक पर जाके आप यहां पर डायरेक्ट इस पोर्टल पर ओपन हो सकते हैं। आपको यह बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए यहां पर देख रहे हैं कि सिंपल जनरल पब्लिक साइनअप पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहां पर आपको यूजर नेम डालना है जो भी आपका नाम हो। इसके बाद यहाँ ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर। इसके बाद डेट ऑफ इवेंट मतलब बच्चे का जन्म कब हुआ था तो यहाँ से कैलेंडर से आप उसको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ उसका स्टेट डाल दीजिएगा जो ही स्टेट से है। इसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है कि कौन सा ये डिस्ट्रिक्ट से ये बच्चा है। इसके बाद यहाँ से देख रहे हैं कि उसका सब डिस्ट्रिक्ट डालना है उसका सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। इसके बाद यहाँ से उसको देख रहे हैं कि विलेज टाउन कस्बा तो उसका कहाँ है तो वहाँ से ये आपको यहाँ चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि कैप्चा दिया हुआ कैप्चा यहाँ डाल दीजिएगा। इसका कैप्चा डालने के बाद यहाँ आपको रजिस्टर कर देना है। देखिए ये अब आपका अकाउंट बन चुका है। अब अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको ईमेल आईडी पर जाना पड़ेगा जो यहाँ पर लिख दिया है। चलिए मैं अपना ईमेल आईडी पर चल जाता हूँ। देखिए ये मेरा यहाँ पर मैसेज आ चुका है। सिंपली आप मैसेज मैं ओके कर दूँगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा लॉगिन आईडी यहाँ पर दे रखा है तो मैं अपना लॉगिन आईडी यहाँ से इसको कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्लिक पर जाके अपने इस अकाउंट को एक्टिवेट कर लीजिए। सिंपली हमको क्लिक हेयर पर जाना है। क्लिक हेयर पर जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मेरा यूजर आईडी जो यहाँ पर दे रखा था ये यूजर आईडी हमको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ न्यू पासवर्ड आपको एक जनरेट कर लेना है। इसके बाद पासवर्ड को कन्फर्म कर देना है। इसके बाद आपको पासवर्ड जो है एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जैसे आपका एक स्पेशल करेक्टर एक नंबर एक अंक होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है इंजीनियर राजा तो आपको शुरू का कैपिटल अक्षर फिर स्मॉल स्पेशल करेक्टर इसके बाद नंबर 1 2 3 तो ऐसे करके आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद ये सिंपली नीचे दिया हुआ कि यहाँ पर कैप्चा यहाँ को आपको फिलअप करके सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपको ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालना है। इसका जो पासवर्ड आप क्रिएट किए थे वो पासवर्ड यहाँ डाल के कैप्चा डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से ये आपको ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ बर्थ का ऑप्शन दे रखा है। एड बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा और आपको स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन अंडर सबमिशन पर इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं डेट का है जो डेथ अगर कोई कर जाता है उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस पर कर सकते हैं। चलिए हम बर्थ के लिए अब हमको अप्लाई करना है तो सिंपली एड बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन को ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये फॉर्म आपका ओपन होकर आ चुका है। यहाँ से अपना ये लैंग्वेज चूज कर लेंगे जो भी लैंग्वेज में इसको फिलअप करना चाहते हैं। चलिए मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। सेकेंडरी लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी डाल दीजिए। अगर फॉर्म का कोई नंबर आपको पता है फॉर्म नंबर तो यहाँ पर डाल दीजिए नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट डाल दीजिए जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका डेट यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड बच्चे का सूचना यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ से इस कैलेंडर में से आप चूज कर लीजिए जो भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद यहाँ से आप लिंग चूज कर लीजिए बच्चा पुरुष है महिला जो भी है यहाँ से चूज कर लीजिए। इसके बाद बच्चे का पहला नाम मिडिल नाम लास्ट नाम इसके बाद यहाँ पे ई आईडी नंबर आधार नंबर। जैसे कई बार होता है कि बच्चा का जन्म लेने के बाद कई दिनों तक बच्चे का नाम नहीं रखा जाता है तो आप इस स्थिति में इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर बच्चे का अगर नाम डेट डाल देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ बच्चा का जन्म कहाँ हुआ था तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ हाउस ऑफ घर के लिए चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको बिल्डिंग नंबर डालना है हाउस नंबर डालना है या कस्बे का नाम डालना है यहाँ पे हाउस नंबर डालना है। इसके बाद स्टेट एरिया का नाम यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पोस्ट ऑफिस आपको चूज कर लेना है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विलेज टाउन आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन नंबर डाल देना है।
यहाँ आपको फादर का इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे यहाँ फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम, फादर का लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो यहाँ देखिएगा ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डाला, इसको मैं इंटर किया, तो देखिए यहाँ पे ही ले लेगा। जैसे मैं यहाँ पे इंटर किया, देखिए ले लेगा ये होता है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ, तो देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आप ले लेगा। इंटर मार, देखिए यहाँ पे ले लिया। तो इसी तरह आप डालेंगे तो हिंदी में यहाँ पे ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद यहाँ पर डालना है मदर का इन्फॉर्मेशन, मदर का फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। इसके बाद यहाँ पर उसका आधार नंबर है, तो आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल देना अगर है तो, नहीं तो फादर का तो डालना ही है, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि एड्रेस ऑफ पेरेंट ऑफ बर्थ, जो बच्चा का जन्म हुआ था उस समय पेरेंट कहाँ था, इंडिया में था। तो यहाँ से उसका लोकेशन चूज करके यहाँ पर आपका नाम डालना है, ब्लॉक नंबर डालना है, हाउस नंबर डालना है, स्टेट डालना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस का नाम, स्टेट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ चूज कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, विलेज टाउन। अगर आप इंडिया में नहीं थे तो इंडिया से बाहर थे तो यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया पर आपको करना है, और यहाँ का आपका एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। अगर इंडिया में है जन्म, यहाँ पर आपको टिक करके यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर देना है। तो यहाँ से जाके आप पेरेंट का एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूसरी जगह है तब यहाँ पे आप फिलअप करना पड़ेगा आपको। अगर आप जो एड्रेस ऊपर दिए थे वही एड्रेस पर आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो सिंपली आपको यहाँ चेक मार्क करिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि सूचनादाता इन्फॉर्मेशन, जो फॉर्म भर रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ डालना है। जैसे उसका माता पिता अगर खुद से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सिर्फ आप टिक मार्क कर दीजिएगा, तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और नहीं, अगर माता पिता नहीं फॉर्म भर रहे, कोई और भर रहा है, तो वो उसका यहाँ पर नाम डालना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर पिन नंबर डाल के, एड्रेस डाल के यहाँ पर सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट चूज कर लेना, जो भी स्टेट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, और सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ये टाउन है, विलेज है, यहाँ से आपको चूज कर लेना है, या इसके बाद यहाँ पे टाउन, विलेज, कस्बा का नाम यहाँ से इसको चूज कर लेना है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि फादर मदर इन्फॉर्मेशन, फादर मदर का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना है। इसे इसका रिलीजन चूज करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी, इसको यहाँ पे से चूज कर लेना है। इसके बाद देख रहे हैं कि फादर का एजुकेशन क्या है, कहाँ तक फादर पढ़े हुए, तो इसके एजुकेशन के लिए यहाँ सब सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फादर क्या काम करते हैं, उसको यहाँ से आपको चूज कर लीजिए, कि या आप कोई क्लर्क है, या कोई वर्क नहीं करते हैं, या प्लांट वगैरह का है, जो भी है, तो यहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि मदर का एजुकेशन क्या है, कितना तक पढ़ा, तो यहाँ से चूज कर लीजिए। इसके बाद मदर क्या काम करते हैं, घर, हाउस वाइफ या कुछ और काम करते हैं, तो इसको यहाँ से आप चूज कर लीजिए। और यहाँ से देख रहे हैं कि माँ की उम्र, बच्चे के उसके शादी के टाइम में क्या था, तो वो यहाँ से चूज कर लेना है। और यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे के जन्म के टाइम माँ की उम्र क्या था, वो यहाँ से चूज कर लेना है। और माँ के को बच्चे जो है वो कितने हैं, और जो पैदा हुए हैं या मर गए हैं, उसका डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। और यहाँ से आप टेंशन चूज कर लेंगे कि किसकी देख रेख में बच्चे पैदा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको देख रहा है कि डिलीवरी मेथड क्या था, नॉर्मल था। इसके बाद यहाँ बच्चे का वेट कितना है, जो बच्चे पैदा हुआ था उसका वेट कितना है, तो यहाँ पे आप डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको माता पिता कोई एक आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ ध्यान देने वाले बात यह है कि PDF, JPG, JPEG और PNG में फाइल होना चाहिए, और इसका साइज 8 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ रिमार्क में आपको टाइपिंग कर देना है कुछ। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली सेव कर देना है। आपके पास पूरा फॉर्म आ जाएगा, आप एक बार इसको सही तरीके से चेक कर लेंगे। अगर इसमें कोई गलती है, कोई मिस्टेक हुआ है, तो आपको सिंपली एडिट पे जाके इसको एडिट कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी यहाँ पे मिस्टेक है, गलती हुआ है। तो अगर सब कुछ ठीक है, ठाक है, फॉर्म सही है, तो आपको यहाँ सिंपली सबमिट पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट करते ही ये फॉर्म आपका इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म आपका 2 पेज में जो यहाँ से आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे आपका दे चुका है, जो इसको आप कॉपी करके रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ PH2 फॉर्म में है, इसको आप सिंपली यहाँ पर जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाइएगा, यहाँ से आप कोई भी एक पाथ चूज कर लीजिएगा जहाँ पर आपको चूज करना है। जैसे मैं डेस्कटॉप पर चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप सिंपली कोई नाम डाल देंगे, जैसे मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ बर्थ सर्टिफिकेट। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ कर देना है सेव। अब देखिए कि मेरा ये डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव हो चुका है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि ये फॉर्म को प्रिंट करके अपने रजिस्ट्रार के पास जमा कर दीजिए, और रजिस्ट्रार का एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ से आप लॉग आउट हो जाइए। इसके बाद अपना यूजर आईडी पासवर्ड याद रखिए, अगर कभी भी आपको लॉगिन करना है तो इसमें लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए।
लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, आने के बाद यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन अंडर सबमिशन पर, आप यहाँ पर जाएंगे, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे आपका पूरा जो अभी फॉर्म आप फिलअप किए थे ये पूरा फॉर्म आपके यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे आप अपना फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं। तो इस फॉर्म को निकाल के आपको प्रिंट आउट निकाल के रजिस्ट्रार के पास जाकर जमा करना पड़ेगा और आपको इसमें कोई भी पेमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप 21 दिन के अंदर अंदर में कर देते हैं तब आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। अगर आप 21 दिन के बाद जमा करते हैं तो आपको लेट फाइन देना पड़ेगा। अगर आप एक साल तक ये फॉर्म को जमा नहीं करते हैं तो आपको एक हैप्पी टिकट भी बनाकर देना पड़ेगा और इसमें कन्फर्म करना पड़ेगा कि आप इसको गेट किए हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं।